गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माय लिविंग रूम टूर वीडियो। सो गाइस, ये है आउटसाइड एरिया और ये है मेरे लिविंग रूम का एंट्रेंस गेट। सो एंटर करते ही सबसे पहले तो ये ब्यूटीफुल सा तोरण दिख जाएगा जिसपे लिखा है वेलकम टू आर होम। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। और ये मैंने मीशो से बाय किया था और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये मेरे ड्राइंग रूम को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। कर्टन की बात करें तो ब्लू कलर के कर्टन्स मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाए हैं। और आप देख सकते हैं ये कर्टन के नीचे जो ये बॉर्डर है टील कलर का, ये मेरे ड्राइंग रूम के वॉलपेपर से मैचिंग किया हुआ है। और अब बात करते हैं वुडन शेल्फ की, जिसको मैंने अपने हाथों से डेकोर किया है। सबसे पहले तो बात करते हैं इस क्यूट सी फोटो फ्रेम की जो है विद फैमिली, शिमला की ये फोटोग्राफ है। एंड फिर उसके नीचे जो ये क्यूट क्यूट से मॉन्क बुद्धाज हैं, अगेन मैंने ये मीशो से बाय किए हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये आप देख सकते हैं शिकारा बोट, ये हमें एज अ गिफ्ट मिली है और ये कश्मीर स्पेशल बोट है। एंड ये जो आप देख सकते हैं रोज़ प्लांट आर्टिफिशियल, जो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है दिखने में। तो इस तरह से मैंने अपने जो है वुडन शेल्फ को डेकोर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत क्यूट क्यूट से शोपीस मैंने यहाँ पे रखे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं ये बच्चों का टॉय था वैसे, बट मैंने यहाँ पे एज अ डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये है एक मनी प्लांट जो मैंने बॉटल में लगाया है। एंड ये क्यूट क्यूट से कैटरपिलर जो यहाँ पे और अट्रैक्टिव लुक देते हैं। हमारे मास्टर बेडरूम की एंट्री, तो ये मैंने दिवाली के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन करी थी। एंड उसके सामने सीधे बिल्कुल ऊपर कान्हा जी की बहुत ही सुंदर फोटो है माखन खाते हुए। इस तरफ मैंने लगाए हैं कुछ मोटिवेशनल थॉट्स, द हार्डर यू फॉल द हायर यू बाउंस। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है। इसके जस्ट ऊपर एक क्यूट सी छोटी सी वॉल क्लॉक है। एंड देन फिर इसके लेफ्ट साइड में एक और बेडरूम है जिसकी ये एंट्री गेट है। एंड इसको भी अगेन मैंने एक मोटिवेशनल थॉट फ्रेम से डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। ये थॉट्स, प्रैक्टिस हैप्पीनेस, इस तरह की मोटिवेशनल फ्रेम्स लगाने से डेली मोटिवेशन मिलती है। एंड ये बीच में कर्टन्स हैं एंड कर्टन्स के उस साइड मेरी बालकनी है। एंड आप देख सकते हैं ब्लू एंड टील कलर के कर्टन्स मैंने मैच करे हैं। एंड ये जो गुड वाइब्स ओनली का फ्रेम है मैंने खुद से बनाया है। एंड आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बहुत क्यूट क्यूट बहुत सारे मोटिवेशनल फ्रेम्स हैं जो मैंने हर डोर पे ऐसे डेकोरेट किए हैं। घर के सारे डोर्स पे मैंने खुद से ये DIY किए हैं।
ये तो थे शोपीस सारे जो भी मैंने डेकोरेट करे थे। साइड पे मैंने दीवान लगाया है एंड उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे मैंने सोफा से अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट पीछे बिल्कुल एक बड़ी सी विंडो है जिसपे मैंने ये नेट का कर्टन पहले लगाया है एंड देन साइड्स पे मैंने ये ब्लू कलर के कर्टन से कुछ इस तरह से टाई करके उनको डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। देख सकते हैं कि एक साइड मेरे ड्राइंग रूम में बिल्कुल ये प्लेन दीवार है लाइट से ग्रीन कलर की एंड ये है हमारी क्यूट सी विद फैमिली फोटो फ्रेम। ये डॉल मैंने हरिद्वार से बाय करी थी, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये एंड ये मैंने एक्वेरियम के जस्ट ऊपर इसको रखी हुई है तो ये मेरे ड्राइंग रूम को बहुत क्यूट सी लुक देती है। ये है मेरा एक्वेरियम एंड ये मैंने दीवान एंड सोफे के जस्ट बीच में जो कॉर्नर है उसके वहां पे रखा हुआ है मैंने। आप अभी जब मैं आपको पूरा ड्राइंग रूम का लुक दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड एक्वेरियम के जस्ट नीचे मैंने ये ब्यूटीफुल सा कलरफुल लैंप रखा है, ये बहुत ही सुंदर लुक देता है मेरे लिविंग रूम को। एंड ये भी मैंने अगेन मीशो से बाय किया है और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड तो ये है मेरी सोफा साइड टेबल, तो सोफा के जो साइड पे टेबल है उसको मैंने कुछ इस तरह से डेकोर किया है। तो व्हाइट फ्लावर्स हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दिखने में, इसको मैंने व्हाइट वास के अंदर ही रखा है। देख सकते हैं मैंने ये जो टेबल है छोटी सी इसको बुद्धा एंड क्यूट क्यूट से कलरफुल लैम्प से मैंने इस टेबल को डेकोर किया है। ये टील कलर का वॉलपेपर है जो मैंने अपने लिविंग रूम में लगाया है एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर एलिगेंट सा लगता है दिखने में और मेरे लिविंग रूम को बहुत अच्छा लुक देता है। और अब बारी है सोफ़ा की, तो आप देख सकते हैं सोफे का कलर बहुत डल है इसलिए मैंने बहुत वाइब्रेंट से कुशन कवर यूज़ करे हैं। देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे मैंने बोहो कुशन यूज़ किए हैं एंड मिडल में मैंने ये प्लेन एंड प्रिंटेड कुशंस यूज़ करे हैं। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कुशन कवर सो मैं इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि कुछ मैंने अमेजोन से, कुछ मैंने मीशो से, कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से, तो अलग अलग साइट से मैंने इन्हें बाय किया है। एंड सेंटर पे ये सेंटर टेबल रखी है, इसके ऊपर ये जो गोल्डन एंड वाइट कलर का रनर है ये भी मैंने अगेन मीशो से बाय किया है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। एंड उसके बाद मैंने अपनी सेंटर टेबल को ये क्यूट से आर्टिफिशियल प्लांटर से डेकोरेट किया है, आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप देख सकते हैं ये है मेरा पूरा लिविंग रूम कुछ इस तरह से मैंने डेकोर किया है।
ये जो नेट का कर्टन है बीच में, इससे मैंने पार्टीशन करा है अपने डाइनिंग एरिया को एंड ड्राइंग रूम को।